व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी इज जीरो माइनस यू, यू की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें, 16 का स्क्वायर इक्वल टू 2, ए इज नॉट गिवन बट यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम हेयर, एंड वैल्यू ऑफ एस 0.4, यू कैन कैलकुलेट द अल्ट्रॉन्स ऑल 16,256, यू कैन राइट ऑल्सो ए इक्वल टू 16 × 16 अपॉन 16 × 16 × 2 × 0.4, एंड व्हेन यू कैलकुलेट दिस वन दिस विल बी इक्वल टू -30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया तो आफ्टर दैट यू नो व्हाट इज द फार्मूला, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ से वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, वी की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 16 अपॉन ए, ए की वैल्यू कितनी है 320 माइनस में ये भी, तो इस सभी को कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.05 सेकेंड, तो टाइम इतना आ गया। देन यू कैन ऑल्सो ट्राई द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन के बेस पे ही न्यूमेरिकल ट्राई करने हैं और आप ट्राई करो, और कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी। और इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड्स हो गए, ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट इज कम्प्लीटेड, द आई थिंक वन आर्टिकल इज लेफ्ट, बट दिस वन इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस आर्टिकल इज ऑल्सो लिंक विद द नेक्स्ट पार्ट, therefore in next lecture we have discussed about this part, but the graph is very important, the in examiner ask one or two graphs from this chapter, how we can draw the position time velocity time like that, तो आप सभी ने try करने हैं। और इसके बाद जो students ने जिन students ने test नहीं दिया तो उनके लिए बहुत बड़ी problem होने वाली, और बस यहाँ तक ट्राई करना है आपने, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस विद मी।